हेलो गाइज, वेलकम टू स्वैग व्लॉग। मैं सुमित और आज एक नया इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आप टाइटल में देख के समझ गए होंगे कि हम जा कर हैं। आज हम जा रहे हैं हवा महल के सामने और अभी 12:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। तो हम अभी तो जा रहे हैं ढाबे पे खाना खाने, फिर खाना खा के सीधे निकलेंगे हम हवा महल के यहाँ पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे और टाइम लैप्स में हल्की टाइम लैप्स देखना, एंजॉय करना और पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। चलो दोस्तों, खाना वाना अपन खा चुके हैं, हम मिलते हैं सीधे प्लेस पे। जैसे कि दोस्तों, हम जगह पे तो पहुंच गए हैं लेकिन गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिली, क्योंकि हमको जाना है ऊपर और हवा महल मेरे जस्ट सामने है, मैं दिखा दूँ आपको। लेकिन यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं, तो मैं जगह नहीं है। तो मैं, अगर ये कोई देख रहा है वीडियो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर गाड़ी खड़ने की करने की जगह अगर कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे तो हमको ऊपर जाना है तो हम ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, उस जगह पर हम आ चुके हैं और मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत ही बड़ी जगह नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सी जगह है। बहुत छोटी जगह है, मैं सोच रहा हूँ बड़ी जगह होगी, पर ये बहुत बड़ी जगह नहीं है। तो मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त महेंद्र, आपका स्वागत करता हूँ एक नए दोबारा अपने नए ब्लॉग के अंदर। तो आप देख सकते हो आपकी फेवरेट प्लेस जो हम आ चुके हैं, हमें यहाँ पर कोक लिए, एक वो जगह बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो हमने सोचा हमको भी यहाँ वीडियो बनानी चाहिए। तो हमने एक कोक लिया पीने के लिए जो 60 रुपीज़ की है, इसकी प्राइस 40 रुपीज़ है, बट 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आज तक ये जो व्यू है, ये विंड व्यू है, उसके लिए शायद 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हवा महल, बाकी और कुछ खास मुझे लगा नहीं यहाँ पर ऐसा। बस ये है कि आप अपने फ्रेंड के साथ आ सकते हो, मस्ती कर सकते हो, आप फोटो खिंचवा सकते हो और देख सकते हो आप नीचे का व्यू। नीचे व्यू देखो, और आप एंजॉय करिए, अब तक थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट। तो दोस्तों, मैंने कोक ले चुका हूँ और इसको मैंने खोल भी लिया है और मैं इसको अब पी रहा हूँ। अच्छी है भाई, थोड़ा प्राइस थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि व्यू जो है ना दोस्तों, पैसा वसूल व्यू है। मतलब आप अपनी फ्रेंड के साथ आए, गर्लफ्रेंड के साथ आए, बॉयफ्रेंड के साथ आए, यहाँ पर आए, इन्जॉय करें, बहुत अच्छा व्यू है। बाकी हम दोपहर को आए तो थोड़ी धूप है, आप यहाँ पर शाम को भी आ सकते हो, शाम को आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे रश मिलेगा और काफ़ी लोग बाग यहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर और किसी चीज़ के पैसे नहीं है, बस ओनली आप व्यू के पैसे हैं, आप व्यू के ही पैसे मतलब यहाँ पे दिए जा रहे हैं, मतलब जो भी लोग आ रहे हैं वगैरह। और ये पीछे हवा महल, इसकी कहानी थोड़ी हम बाद में बताऊँगा दूसरे ब्लॉग के अंदर, जब अपन कभी हवा महल चलेंगे। तो इतना सा बताता हूँ हवा महल के लिए कि हवा महल जो था, जो रानियाँ जो होती थी 1500 ईस्वी में जब ये बनाया गया था, तो ये रानियों के लिए मतलब वो प्रजा का वो निकलता था, एक तरह राजाओं का एक तरह से वो निकलती थी, शाही सवारी निकलती थी। तो उसको देखने के लिए रानियाँ जो होती थी वो हवा महल के पीछे खड़ी हुआ करती थी, और इसके बारे में मैं बाद में पूरा डिटेल में एक बार अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे नीचे भी है और ऊपर भी है, दो स्टेप मिलेंगे आपको, जो नीचे बिल्कुल ढका हुआ है, धूप नहीं आती नीचे। हम ऊपर इसलिए आए हैं क्योंकि अच्छा व्यू मिल जाए हमको, ऊपर हम इसलिए आए हैं क्योंकि अच्छा व्यू मिल जाए, क्योंकि आपको इस तरह से ये जगह मिलेगी बिल्कुल। और यहाँ पे कैमरा वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं। और इस साइड से पता नहीं है कुछ दिख रहा है, ये नारगढ़ वगैरह, वो आमेर फोर्ट, मुझे पता नहीं है कि इधर क्या है और इधर क्या है सही से। पैसे ऐसी चीज़ क्या है बस यहाँ पे व्यू के, बस मतलब दोस्तों यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि और कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ व्यू के पैसे हैं। और जो भी छोटी जगह है, बहुत छोटी जगह है, आप मस्ती कर सकते हो। और मैं प्रेफर करूँगा आप दोपहर को यहाँ, सॉरी शाम को ही आएँ, दोपहर को यहाँ पर ना आए, फिर दोपहर को यहाँ बहुत धूप है, जैसे कि हमको तो आपके वीडियो बनाने के लिए आना पड़ता है। तो आप
आते रहिए, शाम को आइए, शाम को टाइम पाइए, इंजॉय कीजिए, अपना सिनेमेटिक शॉट्स देख लिए होंगे, बाकी सुमित बताएगा आपको। दोस्तों मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वैसे कि मेरे भाई ने जो कि महेंद्र ने सब कुछ बता दिया है आपको, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप आओ तो शाम को प्रेफर जरूर करें इधर, क्योंकि यहाँ पर फोटो वगैरह लोकेशन वगैरह बहुत काफ़ी अच्छी है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हो। वैसे एक्सपेंसिव है लेकिन आप देख लेना, आप एडजस्ट कर लेना, व्यू के पैसे यहाँ पर और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब और मैं क्या बताऊँगी, भैया ने बता ही दिया है। और नीचे काफी अच्छा है क्योंकि नीचे यहाँ पे धूप नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये लगा रखे भैया ने, तो नीचे ठीक है। टेबल बहुत अच्छी है, हाँ सीट्स भी काफी अच्छी है, यहाँ पर अच्छी सीट है, कंफर्टेबल सीट है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों नीचे भी कुछ इस तरह का व्यू मिलने वाला है आपको, सिनेमैटिक शॉट्स में आप एंजॉय कर लेना वीडियो, क्योंकि ये टेबल वगैरह बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है मुझे, और काफ़ी अच्छा ये चेयर भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हो, हम वहाँ से आए थे ऊपर से, तो व्यू अच्छा था वहाँ से, काफ़ी अच्छा था व्यू। मैं और कुछ क्या बोलूँ उनके बारे में, और कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ पे बेझिझक आप आ सकते हो, वीडियो कैमरा वैमरा सब चीज़ ला सकते हो, कोई मना नहीं है, कोई चीज़ की उधर मना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ की दिक्कत आती है यहाँ पर पार्किंग करने की, तो हमारी जो गाड़ी है बिल्कुल यहाँ पर खड़ी है, हमारी जो बाइक है नीचे खड़ी है। इधर मेरे को एक चीज़ की दिक्कत लगी है, वो कि पार्किंग की, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और अपना ये सामने ही अपना हवा महल है। तो दोस्तों मैं जो ये अपना है विंड व्यू कैफ़े, जो कि ऊपर से हम अभी आए हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा प्राइस तो एक्सपेंसिव है ही, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो हवा महल का व्यू है बिल्कुल साफ, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा व्यू है, तो प्राइस एक्सपेंसिव है मैं खुद बोलता हूँ, क्योंकि अपन जो है चीपेस्ट जो प्राइस में अपन रिव्यू देते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ली थी, वो भी MRP प्राइस पे नहीं थी, तो मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो ये बोल रहे थे GST वाली लगती है, तो ठीक है यार, वो मतलब अपना व्यू के कारण पैसे कमा रहे तो ठीक है, उनको भी कमाने दो। तो यहाँ पे अपना सामने अभी हवा महल है, इसके मैं आपको नीचे से दिखाऊंगा व्यू काफ़ी। अभी अपना जो सामने है ये मेन रोड है, ये अब ये है मेन रोड और सामने है वो, और मैं आपको हवा महल के सारे अभी नीचे से लेके ऊपर तक दोबारा सिनेमैटिक शॉट देता हूँ, जो अच्छे लगे वो आप लाइक कर देना। और यार आप, मैं आप देख रहा हूँ आपको कि आप चैनल पे हो और मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, तो यार लाइक कर लेना, क्योंकि अभी जो हम हैं कम से कम 20 किलोमीटर से आए हैं अभी, हम अभी हमारी इनफील्ड से 20 किलोमीटर दोस्तों हम आए सीतापुरा से यहाँ पे, और हमको मतलब कल भी आना है यहाँ पे, कोई जो सिटी पैलेस वगैरह हमको मतलब मतलब जो चीज़ हमने सेलेक्ट करी है ना जयपुर के बारे में, जो मतलब काफ़ी दूर है, मतलब हमारे यहाँ से सीतापुरा से 18 से 20 किलोमीटर दूर है, तो डेली आते हैं तो यार एक लाइक तो बनता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके हवा महल के व्यू, तो दोस्तों इसकी मैंने काफ़ी वीडियो बना ली, काफ़ी सिनेमैटिक शॉट बना लिए, तो हमको चलना चाहिए अब बिना टाइम वेस्ट किए। और ये अपना है मेन रोड, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है मेन रोड और ये जहाँ पे हम गए थे, तो अब हमको यहाँ चलना चाहिए। दोस्तों हमने आपने पूरा एंजॉय कर लिया होगा, पूरा हवा महल का, विंड व्यू का, कैफ़े का, पूरा लुक वगैरह, सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह, और अभी हवा महल के फोटो वगैरह सिनेमैटिक आप देख लिए होंगे, एंजॉय कर लिए होंगे। पर मुझे दोस्तों इतना खास लगा नहीं जितना ये मुझे ये लगा, क्या बोलते हैं, विंड व्यू कैफे। हवा महल भी ठीक है, हवा महल का तो वीडियो बना सकता हूँ, मैं बना लूँगा बाद में आपके, जब भी आप कमेंट करोगे या फिर हम जाना होगा जब भी बना दूँगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये बात कि लोग यहाँ पर क्यों जाते हैं विंड व्यू कैफे में, मतलब मुझे इतना कोई खास लगा नहीं, बस ओनली फोटोज़ के लिए लोग बाग विंड व्यू कैफे जाते हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव दोस्तों, इसका थोड़ा ध्यान रखना,
मतलब 40 की जो कोल्ड ड्रिंक थी वो हमें 63 रुपीज़ की पड़ी, तो मतलब 23 रुपीज़ हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा ओनली सिर्फ फोटोशूट के लिए। बाकी आप अपनी कमेंट में राय बता देना आपको कुछ पसंद हो तो। और यार दोस्तों आप वीडियो वगैरह कोई मना नहीं है, आप वीडियो बना सकते हो और आप फोटो खींच कर सकते हो कुछ भी ऊपर विंड व्यू कैफे की तरफ। ओके दोस्तों, बाकी सुमित बता ही दे सारा। तो दोस्तों आपने सब कुछ देख लिया होगा विंड व्यू के बारे में और होमेल के बारे में, तो इस वाली वीडियो में फिलहाल इतना ही। और जो है नेक्स्ट वीडियो जो हम कहीं जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। तो इस वीडियो को यही बंद करते हैं, इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ मैं दोस्तों आपको देख रहा हूँ आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर रहे तो सब्सक्राइब करें। और कल मिलते हैं सुबह 9 बजे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और नए तो सब्सक्राइब कर लेना स्वैगी ब्लॉग्स। बाय।